अस्सलामुअलैकुम, हम बनाने वाले हैं चिकन ड्रम स्टिक, जो कि हम रमज़ान स्पेशल और इफ्तार स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, आप इफ्तार टाइम पर इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है, इसको मैंने गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा है, ताकि जो इसके साइड में बारीक बारीक लकड़ियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसमें चिकन को लगाएंगे तो टूटती नहीं है। तो ये स्टेप आपको ज़रूरी है करना। तो उसको भिगा कर रख देंगे साइड में। अभी मैंने 250 ग्राम्स चिकन का कीमा ले लिया है, स्मूथ पीस लेना है अपने कीमे को। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करना है आपको प्याज को। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, 1 अंडा डालेंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग के लिए है। मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ये मैंने 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 ब्रेड के स्लाइसेस को पीस लें और इसमें ऐड कर दें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसमें और 3 चीज़ें जाएगी, विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। मैंने बाद में इसमें ऐड किया था, 1 टीस्पून आपने तीनों इसमें ऐड कर देना है, उसी से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और इन सबको इस तरीके से मैश कर लेना है, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले चिकन में मिक्स हो जाना चाहिए। तो सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो 1/2 टीस्पून मैंने ऑल सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो टोटल 1.5 टीस्पून सॉल्ट का यूज़ लगा है। इसको 10 मिनट रेस्ट दे दिया था मैंने। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। ये स्टिक्स को मैंने 10 मिनट के बाद पानी में से निकाल लिया था और प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो सबसे पहले हाथों पर ऑयल लगा देंगे और चिकन का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो ले लेंगे। इस तरीके से उसको चपटा कर देंगे और स्टिक को सेंटर में लगाते हुए इसको शेप दे देना है ड्रम स्टिक्स का। अच्छी तरह से आपको इसको शेप दे देना है, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो फ्राई करते वक्त वो खुल जाएंगे और क्रैक्स दिखने लगेंगे, जिससे इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल आप प्लेन कर ले। ये देखिए, इस तरीके से आप हाथों पर ऑयल लगा कर भी इसको प्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा बना है देखिए। तो इसी तरह से दूसरा भी मैं आपको बना कर बताती हूँ। हाथों पर तेल लगा लेंगे सबसे पहले और बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे चिकन का और उसको हाथों से फ्लैट कर देंगे और स्टिक को सेंटर में रख देना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है और उसको शेप दे देनी है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो सेकेंड वाला भी बनकर रेडी है और इसी तरह से मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो 250 ग्राम्स चिकन में 5 हमारे ड्रम स्टिक्स बनकर रेडी हुए हैं। आप इस टाइम पर प्लेट को फ्रीज़र में रख सकते हैं, जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल दें या पॉलीथीन में डाल दें और इसको आप 2 हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपको फ्राई करना हो तो इफ्तार टाइम पर आप इसको निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है, तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। इसमें एक एक करके सारे ड्रम स्टिक जो हमने बनाए थे वो डाल देंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, क्योंकि चिकन कच्ची है तो अंदर से पक जानी चाहिए।
और स्पून से इस तरीके से आप ऑयल इसके ऊपर डालते जाइए और इसको टर्न करते जाइए। हर तरफ से ये अच्छा कलर आना चाहिए और हर तरफ से पकना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ से पकाओगे तो एक ही तरफ कलर आएगा और दूसरी तरफ ऐसा कलर नहीं आएगा। तो जब थोड़ा थोड़ा कलर आने शुरू हो जाए तब आप इसको टर्न करते जाइए। तो ये देखिए चिकन फ्राई हो चुकी है, साइज में भी फूल चुकी है। अब इसको फुल फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए डार्क इस पर। तो इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे फ्राई होकर रेडी है, इनको मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी से हमारे चिकन ड्रमस्टिक्स बनकर रेडी है। आप इसको चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए, ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।